कुरान ये है, दिख रहा है? दिख रहा है तुझे? मोहम्मद फारूक खान की लिखी हुई कुरान है ये, अनुवाद किया हुआ, लेखक का तो ऐसे ही पता नहीं। आसमानी किताब है ना ये, ध्यान से देख, आसमानी किताब है ये। जैन सभी भाइयों को दुबई जी की तरफ से जय जय राम। भाई ये वीडियो शेयर करके हिंदुस्तानी भाव तक पहुंचा देना, शेयर इतना होना चाहिए कि यह वीडियो भाव तक पहुंच जाना चाहिए, हिंदुस्तानी भाव तक, क्योंकि इसने आज हमारे गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, इसने गाली गलौज की और गुरुदेव के मां बहनों तक को गाली दिया, मां बहनों को भी नहीं छोड़ा, और डायरेक्ट गुरुदेव की वीडियो दिखाकर और उसके बाद से ये गाली देता है। और बाद में इसने मौलाना का भाई नाम लिया, लेकिन इसे लगता है कि मौलाना का नाम लेकर ये बच जाएगा। तो बेटा मौलाना का नाम लेकर तो तुम बचोगे नहीं, चबूतरा तो बनेगा पिछवाड़े का। और कौन है ये हिंदुस्तानी भाव? ये वही है ना जो अपने घर से मतलब मुसलमानों को खुश करने के लिए एक वीडियो बनाया था, ये पहले हमें समथिंग एक डेढ़ साल पहले, कि मैं जब घर से निकलता हूं तो दरुद शरीफ पढ़ के निकलता हूं, और उस समय जब रिलाई हुई, हाँ जब रिलाई हुई तो इसने मतलब बोला कि नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दिया है, मतलब पहले वाली रिलाई भूल गए क्या? हिंदुस्तानी भाऊ तुमसे पूछना चाहते हैं, पहले वाली रिलाई भूल गए क्या कि मतलब फिर से पछवाड़े में खाज मच गई तुम्हारे, मतलब फिर से पछवाड़े में खुजली होने लगी? बता देते हैं, अगर पछवाड़े में फिर से खुजली मच गई हो तो बता देते, एक मोटा सा डंडा लाते, पोला नहीं भरा हुआ, एक मोटा सा डंडा लाते और तुम्हारी खाज वही मिटा देते, तुम्हें बता देनी चाहिए, लेकिन तुम बताओगे नहीं, ऐसी खाज मची है तुम्हारे पछवाड़े में तो तुम्हें बतानी चाहिए ना, खाज मिटा देते तुम्हारी। और ये मतलब दरुद शरीफ पढ़ के निकलता, ये जानता क्या है कुरान के बारे में? इसे खुद नहीं पता इस्लाम के बारे में हैं? बोलता है गीता के बारे में एक ही चीज जानते हैं, इंसानियत देखो, इंसानियत सीखो, इंसानियत के साथ रहो भोसड़ी के। कौन से इंसानियत के साथ रहो रे? हाँ क्या जानता है तू गीता के बारे में? गीता के फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़ा है क्या तूने? पढ़ाओ तो बता दे। कुरान के प्रथम पेज को पढ़ा है क्या? एक भी पन्ना पढ़ा है क्या तूने कुरान के बारे में? कुरान का कोई पेज पढ़ा हो तो बता दे, पढ़ा हो तो बता दे। तेरे पास तो कुरान भी नहीं होगी तो कुरान पे ज्ञान दे रहा है ना, बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। कुरान भी नहीं होगा तेरे पास, चलो कुरान हम दिखाते हैं, शायद तुझे कुरान की शकल नसीब हो जाए लाइव में। तुझे लाइव में कोई नहीं दिखाया होगा कुरान, लाइव में आज हम दिखाते हैं तुझे कुरान। तू तो कुरान की बात कर रहा है ना कि कुरान को गाली दे दिया है और मतलब उनके भगवानों को गाली दे दिया, तो आज तुझे लाइव में हम कुरान दिखाते हैं और हम पढ़ते हैं कुरान। हमारे गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती कुरान पढ़े हैं तब जाकर बोलते हैं। तुझे कुरान के बारे में ठंड भर भी ज्ञान नहीं है और बकचोदी करने आ गया तो यहाँ पे तुझे हम कुरान दिखाते हैं। फेसबुक या दलाल, तुम्हें हम कुरान दिखाते हैं क्योंकि तूने पाकिस्तान वालों की, भाई कुरान दिखाएंगे इसी वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो छोड़ के मत जाना, इसी वीडियो में दिखाएंगे, पहले इसकी औकात दिखा ले फिर कुरान दिखाएंगे। तूने पाकिस्तानियों का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वो कौन सा ये गुच्ची खान कुची खान करके कोई है उसका किया था, नहीं मोटा सा आलू मोटा सा गेंडा है, तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था तूने दुबई का, फटके हाथ में आ गई, चैलेंज एक्सेप्ट किया गया क्यों नहीं, जाना चाहिए था ना।
औकात थी तेरी जाने की? फालतू की बकचोदी कर रहा था, सिर्फ पाकिस्तानियों को गाली दे सकता है ये। इसकी वीडियो पे 10 लोग देखने नहीं आते थे, और ये क्या करता था कि मतलब जब पाकिस्तानियों एक एजेंडा बना लिया कैसे हमारी वीडियो चलेगी, तो पाकिस्तानियों को गाली देना शुरू कर दो कि न पाकिस्तान वाले इंडिया आ सकते हैं, न इंडिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इसने पाकिस्तानियों को गाली देना शुरू किया। सबसे आसान चीज ये लगा कि पाकिस्तानियों को कितना भी गाली दे दोगे, पाकिस्तान वाले तो इसकी खुजली मिटाने इंडिया आएंगे नहीं। तो इसने पाकिस्तानियों की जमकर गाली दी, और जैसे ही पाकिस्तानियों ने चैलेंज देना शुरू किया, इसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और जब जाने का टाइम आया तो इसके फटके हाथ में आ गई। ये दरूद शरीफ पढ़ के घर से निकलता है और ये कट्टर पंडित बनेगा। वाह, दरूद शरीफ पढ़ के घर से निकलता है और ये कट्टर हिंदू बनेगा। अबे डूब मर रहे, तेरी औकात है क्या है पंडित कहलाने की? पंडित हम हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर पंडित। अगर पंडित की बात है ना और हिंदू की बात, तो हम हैं हिंदू, हम हैं पंडित। और अगर पंडित की बात आ गई ना बेटा, अगर शास्त्र की बात आ गई, धर्म की बात आ गई, तो हमारे जहां के बाल के बराबर भी तो नहीं है, ध्यान रखना। तू एक श्लोक सुनाएगा, हम 5 सुनाएंगे। तू 5 सुना, हम 25 सुनाएंगे। बेटा पंडित की बात ना करना, इतनी पढ़े हैं ना, इतनी पढ़े हैं पंडित के बारे में, और पंडिताई इतनी पढ़े हैं कि तेरे बाप दादा भी उतने नहीं पढ़े होंगे, ध्यान रखना। और तू जिस कुरान की बात कर रहा है, जिस कुरान की तू बात कर रहा है ना कि कुरान को गाली क्यों दे दिया, उनके भगवानों को गाली क्यों दे दिया, तो आज तुझे कुरान के दर्शन कराते हैं। थोड़ी कुरान देख ले, और तुझे कुरान की आयत तो नहीं पढ़ के बताएंगे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि हम तेरे लिए कुरान पढ़ के बताएं, ठीक ना। कुरान ये है, दिख रहा है तुझे, मोहम्मद फारूक खान की लिखी हुई कुरान है ये, अनुवाद किया हुआ, लेखक का तो ऐसे ही पता नहीं, आसमानी किताब है ना ये, ध्यान से देख, आसमानी किताब है ये, मोहम्मद फारूक खान इसके अनुवादक है। दिख रहा है तुझे? दिख रहा होगा, शायद तुझे ना दिखे, फेसबुक या दलाल है ना तू, तो दलालों को वैसे भी नहीं दिखती है जाता, तो फेसबुक या दलाल जो है तो दलालों को ऐसे भी नहीं दिखती है। और बेटा एक ही चीज बता रहे हैं कि गाजियाबाद कभी मत आना, रेल बना दिए जाएंगे, पछवाड़े का चबूतरा अलग बनेगा, रेल पहले बनाया जाएगा, गाजियाबाद के हर सड़कों पर तू ही डोलता भागता हुआ नजर आएगा, याद रखना। तेरे इस हरकत से ना गुरुदेव पूरी तरह से नाराज हैं, और गाजियाबाद के सड़कों पर भागता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर देख ले अपनी कुरान, उल्टी हो गई, उल्टा तो है ही, देख फिर से देख ले, दिख रहा है ना तुझे?